तीन की विद्यार्थी हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक अच्छी सी कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जंगल में ओलंपिक, जिसे डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम द्वारा लिखा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि खेलने में सबको आनंद आता है। बचपन में हम सब बच्चों को अपने खिलौने से खेलना कितना पसंद होता है। धीरे धीरे वे खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं यह कविता। जंगल में ओलंपिक का है भीड़ भड़क का भारी, जंगल में ओलंपिक का है भीड़ भड़क का भारी, जिसे देखने उमड़ पड़ी जनता सारी की सारी। पशु पक्षी सब मस्त मगन है, खेल हो गया चालू। पशु पक्षी सब मस्त मगन है, खेल हो गया चालू। गर्दन में फीता लटकाए घूम रहा है भालू। गर्दब जी ने डिस्क फेंककर जीत लिए दो मेडल। गर्दब जी ने डिस्क फेंककर जीत लिए दो मेडल। 100 मीटर की दौड़ हो रही, भाग रहे दल के दल। तैराकी में उस बिलाव जी निकले सबसे आगे। तैराकी में उस बिलाव जी निकले सबसे आगे। कुश्ती में मैदान छोड़कर गेंडा जी छत भागे। रिच वेट लिफ्टिंग में चूका, स्वर्ण ले गया सीता। रिच वेट लिफ्टिंग में चूका, स्वर्ण ले गया सीता। मुक्केबाजी में बंदर ही लगातार फिर जीता। 100 क्विंटल का वजन सूंड से हाथी जी ने उठा लिया। 100 क्विंटल का वजन सूंड से हाथी जी ने उठा लिया। 12 सीखे ने उसको ऊंचे आसन पर बैठा दिया। लंबी ऊंची कूद हिरण के हिस्से में है आई। लंबी ऊंची कूद हिरण के हिस्से में है आई। सभी जानवर आगे आकर देने लगे बधाई। 10 दिन के इस ओलंपिक में सिंह राज है निर्णायक। 10 दिन के इस ओलंपिक में सिंह राज है निर्णायक। अंगुली कहीं ना उठने देंगे, सब पाएंगे अपना। बगुले ने लंबी गर्दन से सही निशाना साधा। बगुले ने लंबी गर्दन से सही निशाना साधा। मार ले गया वह स्वर्ण पदक। आई